शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई से सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा की ओर से कहा गया कि आज जो लोग शाहीन बाग में बांग्लादेशी रोहिंग्या के अवैध ठिकानों को बचाने के लिए सड़क पर लेट गए हैं, जनता जल्दी उनको लेटा दे। उधर दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से एक साल पहले ताहिर हुसैन की अवैध गैर कानूनी बिल्डिंग का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया था। इसी अवैध बिल्डिंग से बम, एसिड, गुलेल सब बरामद हुआ था। इसी बिल्डिंग में वीर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई। ताहिर हुसैन की अवैध बिल्डिंग को गिराया जाए। मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में सबसे पहले बुलडोजर ताहिर हुसैन की अवैध कातिल बिल्डिंग पर चलना चाहिए। मैंने ताहिर हुसैन की बिल्डिंग को गिराने के लिए एलजी को पत्र लिखा है। ये बिल्डिंग अवैध है और इसका गिरना जरूरी है। आम आदमी पार्टी विधायक ने भाजपा पर निशाना साधा है। निगम की कार्यवाही के दौरान पहुंचे अमानतुल्ला खान ने कहा कि अब मैं आया हूं, अभी देखता हूं कहां चल रहा है बुलडोजर। मैं 3 दिन पहले आया था, लोगों से आह्वान किया, लोगों ने खुद अतिक्रमण हटा लिया। अब एमसीडी बताए कि अतिक्रमण कहां है, पुलिस और अधिकारी मुझसे बात करें। ये यहां आकर माहौल खराब कर रहे हैं, मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बुलडोजर के नाम से दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने का प्लान बनाया गया है। बुलडोजर कार्रवाई से सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण हटाना तो पहले दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से हटाया जाए, संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उन्हें जनता देख रही है। उन्हें जल्द दिल्ली की जनता लेटा देगी। वो आतंकियों के समर्थन में आए हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए हैं। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में चर्चा बुलडोजर और लाउडस्पीकर पर की जा रही है, ये मुद्दा नहीं है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लगभग 80-90% निर्माण अवैध है, तो क्या पूरी दिल्ली पर बुलडोजर चलाया जाएगा? बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में बुलडोजर की राजनीति गर्मा गई है। शाहीन बाग में लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज जब बुलडोजर पहुंचे तो सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद इस कार्रवाई को फिलहाल रोकना पड़ा है, लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा शांत नहीं होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।